हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन्स। आज हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेफ्रॉन्स। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं और इनकी वो अमाउंट होता है 1 मिलियन से 2 मिलियन, ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब कि किडनी के अंदर जो काम करते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो नेफ्रॉन्स ही करते हैं। ईच नेफ्रॉन्स हैज़ 2 पार्ट। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है द ग्लोमेर, दूसरा होता है द रीनल ट्यूब। ग्लोमेरुलस को रीनल कार्पसल्स भी कहते हैं। तो पहले हम इसको वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पूरे वो डायग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आता है नेफ्रॉन का, ये यू शेप का होता है, इसको एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा वाइड होता है, इसको एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड सप्लाई होती है। ये सब ब्लड सप्लाई अभी हम पढ़ेंगे, पहले हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो ये होता है इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ये यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। उसके पास से ये फिर ये जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है इसको रीनल ट्यूब बोलते हैं। ये पूरे ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को रीनल ट्यूब बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो होता है इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। जो लूप ऑफ हेनले के पहले ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, मतलब PCT। इसको प्रॉक्सिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोमन कैप्सूल के पास में होता है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और जो बोमन कैप्सूल से दूर होता है इसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब बोलते हैं। हम इसका डिवीज़न लूप ऑफ हेनले से करते हैं। लूप ऑफ हेनले के जो इधर होता है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले के इधर होता है इसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। आप अब समझ गए होंगे। और इसको अब इसको डिस्टल ही क्यों बोलते हैं अगर ऐसे बोला जाए तो? क्योंकि जो बोमन कैप्सूल से दूर है, जो दूर होता है उसको डिस्टल बोलते हैं, जो पास होता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, ठीक है। और ये लूप ऑफ हेलनेस से इसका डिवीज़न करते हैं। और फिर यहाँ पे ही स्ट्रेट एक ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो इसमें से जितना भी यूरिन फिल्ट्रेशन होकर के आता है, फिल्टर होकर के आता है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। और फिर यहाँ से ये यूरेटर से कनेक्ट होती है, जिसमें यूरिन फिर वहाँ से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वहाँ से यूरेथ्रा के टू पास आउट हो जाता है। अब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो ब्लड सप्लाई है उसके बारे में। जो ब्लड आता है, ब्लड अब ये तो है नहीं कि ब्लड अपने ये नेफ्रॉन्स जाएंगे सबके पास कि हमें ब्लड दो, नहीं। एक आर्टरी होती है एफरेंट आर्टरियोल्स, ये थोड़ी चौड़ी होती है, यहाँ से ये ब्लड आता है बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है। यहाँ पे एक झुंड होता है, झुंड का मतलब बंच ऑफ कैपिलरीज, उस बंच को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये कैपिलरी का एक जाल टाइप का, नेटवर्क टाइप का होता है, यहीं से जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट होता है। जो उसके वो मतलब कि जो उसको नीड नहीं होती, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ से फिल्टर हो जाती है, बाकी एफरेंट आर्टरियोल की ओर से पूरे नेफ्रॉन में टहलने लगती हैं या जाने लगती हैं। जहाँ से आता है ब्लड उसको एफरेंट बोलते हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। उसके बाद ये बोमन कैप्सूल में ये जाल टाइप का होता है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर यहाँ से फिर ऐसे जाता है तो इसको एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। इसको एफरेंट बोलते हैं और ये थोड़ा सकरा होता है। सकरे का मतलब कि थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। उसके बाद फिर ये ब्लड सप्लाई पूरे इसमें पूरे नेफ्रॉन में फैल जाती है। अब पूरे नेफ्रॉन में क्यों फैलती है, अब ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि पूरे नेफ्रॉन में क्यों जाती है अगर यहाँ से इसको ब्लड फिल्टर हो गया तो सीधे ये चली जाती है। पूरे इसमें ये जाती है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्लड की यहाँ से फिल्टर हो गई हैं। अब ब्लड में उसको दोबारा चाहिए होगा, तो वो पूरे नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई इस तरह घूमती रहती है। जैसे इसमें देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास भी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास भी है, लूप ऑफ हेनले के पास भी है। यहाँ से ब्लड की वो ब्लड सप्लाई ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट
मूवमेंट होती है ब्लड के लिए ज़रूरी होता है, वे यहाँ से दोबारा ब्लड में चली जाती है और यहाँ से फिर ये सर्कुलेट होती है, ये फिर रीनल वेन में जाती है, रीनल वेन के द्वारा फिर से ये दोबारा हार्ट में जाती है प्योरीफिकेशन के लिए। तो ये हमने अभी केवल समरी पढ़ी कि इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो हमने पढ़ा कि जाल टाइप का था बोमन्स कैप्सूल के अंदर। तो इट इज़ अ टर्फ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टरीज विच इज़ अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ये बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टरियोल्स है, ये इफरेंट आर्टरियोल्स है। तो एफरेंट आर्टरियोल के बाद ये जो बंच बना हुआ है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसमें ये लिखा है ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल है, एफरेंट आर्टरी, ये एफरेंट आर्टरी। और फिर यहाँ से हमारा जो पीसीटी वो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है वो ये है। तो इस पूरे बंच को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस कैप्सूल जॉइंटेड फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल्स, जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स होते हैं वो जो ग्लोमेरुलस होता है ये एफरेंट आर्टरी से अटैच होता है, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड आएगा यहाँ पर फिल्ट्रेट होकर के फिर एफरेंट में चला जाता है। और एक चीज़ और है, एक वर्ड आता है मालफीजियन बॉडी। मालफीजियन बॉडी का मतलब होता है जो ग्लोमेरुलस है और जो बोमन कैप्सूल है इन दोनों के मतलब इसके ग्रुप को मालफीजियन बॉडी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों के जॉइंट को मतलब इन दोनों के पूरे पार्ट को मालफीजियन बॉडी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल जो होती है वो ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी हुई है। रीनल ट्यूब्यूल मालफीजियन बॉडी के बाद स्टार्ट होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि मालफीजियन बॉडी क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि मालफीजियन बॉडी बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के कंबाइंड फॉर्म को मालफीजियन बॉडी कहते हैं। तो मालफीजियन बॉडी के बाद से जहाँ से पीसीटी स्टार्ट होता है वहाँ से हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स स्टार्ट होती है। अब हम रीनल ट्यूब्यूल्स को समझते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स, द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। इसका मतलब ये कि इसके पहले ही हमारा वो होता है बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल में वो सारे वो ग्लोमेरुलस होते हैं। तो यहीं से हमारा रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है जहाँ से हमारा पीसीटी होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल, यहाँ पे लिखा भी है द ट्यूब्यूल कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म ऑफ अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। हाईली कॉइल्ड नेटवर्क का मतलब कि वहाँ पे कैपिलरीज का एक बंच होता है, एक झुंड टाइप का होता है, तभी तो एक नेट बना पाते हैं, जाल बना पाते हैं ताकि वहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट हो सके। उसके बाद आता है ए हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग लिम्ब। इसका मतलब ऐसे है, अब मैंने यहाँ पे कलर से भी अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करी है। जैसे ही हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये सबको पता है लूप ऑफ हेनले, जब यहाँ से यूरिन फिल्टर होकर के आता है तो यूरिन यहाँ से नीचे गिर रहा है, मतलब ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, और ये यहाँ से फिर ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है तो इसको मतलब एसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले के दो डिवीज़न यहाँ से हो जाते हैं, एक डिसेंडिंग मतलब नीचे आता है, एसेंडिंग मतलब ऊपर जाता है। और ये जो पर्पल से ड्रॉ किया हुआ है ये पीसीटी है। पीसीटी से क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बोमन्स कैप्सूल के नियर बाई है, इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और ये दूर है, ये दूर है, इसलिए इसको डीसीटी कहा गया। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये प्रत्येक पॉइंट द एसेंडिंग लिम्ब कॉन्टिन्यूस एज अनादर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये मतलब यही कहा गया है कि इसको डीसीटी कहते हैं। या फिगर से अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पूरे को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसमें लूप ऑफ हेनले के इधर साइड वाले पार्ट को जो पहले पार्ट पड़ता है उसको पीसीटी कहते हैं, और लूप ऑफ हेनले का जो बाद में पार्ट आता है उसको डीसीटी कहते हैं। और यहाँ से जब वो पीसीटी का जब यूरिन ऐसे नीचे को आता है उसको डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जहाँ से चलता है एसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद इधर पढ़ते हैं द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ढेर सारे डीसीटी होते हैं वो ढेर सारे डीसीटी जहाँ पे यूरिन को इकट्ठा करते हैं, या तो जिस जहाँ पे यूरिन जिस डक्ट पे कलेक्ट होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलर पिरामिड्स इन द साइलक्स।
काइलक्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारे वो जो नेफ्रॉन्स है वो हमारे पिरामिड्स में ही प्रेजेंट होते, वहीं से हमारे प्योरीफिकेशन का काम करते हैं। तो वहाँ पिरामिड से फिर पहले मेजर वो माइनर कैलिक्स में यूरिन आता है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आता है, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में आता है, रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर्स में आता है। तो वो इसी को बताया गया कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से कलेक्ट होकर के रीनल पेल्विस में आता है, और जो किस चीज़ से आता है, मेडुलरी पिरामिड्स से। मेडुलरी पिरामिड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पिरामिड्स होते हैं वो मेडुलरी में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द माल्पेसियन कॉर्पस पीसीटी और डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द कॉर्टाइल रीजन ऑफ द किडनी वेयर इज द लूप ऑफ हेनले टिप्स इनटू द मेडुला। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने किडनी पढ़ी थी, किडनी को हम लोगों ने मतलब किडनी पढ़ी थी, किडनी को मेनली अगर ऐसे ही देखें अपर साइड से देखें तो उसको दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक कॉर्टेक्स होता है, उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। जो हमारा ये नेफ्रॉन्स का अपर वाला साइड होता है, अपर वाला साइड का मतलब कि जिधर पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले होता है ये मेडुला में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारी एक किडनी बनी हुई है, एक किडनी ये बनी हुई है, तो किडनी में जो ऊपर होगा, ऊपर साइड हमारा पीसीटी डीसीटी आएगा, और जो नीचे साइड है वो वहाँ पे लूप ऑफ हेनले आएगा। तो एक जो नेफ्रॉन होता है वो एक किडनी में ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे फॉर्म होने का मतलब नीचे हमारा लूप ऑफ हेनले आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा पीसीटी डीसीटी और बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये आएगा। तो जो हमारा नेफ्रॉन है वो मेनली किडनी में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो डीसीटी पीसीटी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने नेफ्रॉन के बताया और इसके पार्ट्स मैंने डिस्कस करे, और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। इसका फंक्शन मेनली ये होता है कि जो ब्लड आता है उसको प्योरीफाई करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। आपको मैं समझ रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या किसी भी वर्ड से आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देंगे और मैं उसको अच्छे से उसका रिप्लाई करूँगी, या अगर ज़रूरत होगा तो मैं दोबारा नेफ्रॉन को एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।